नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। सो गाइस, कुछ दिन से हम लापता है, बट आई वॉज नॉट वेल एट ऑल। लास्ट 10 to 12, 14 days बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे ऑन माई बॉडी, एज इन फीवर, हेडेक, बॉडी पेन, गला बैठ गया, सब एक साथ। क्या कर सकते हैं, वायरस को बोल तो नहीं सकते भाई। अभी मत आना यार, अभी अप्रैल में हम लोग को रिविजन वीडियोज देना है या इम्पॉर्टेंट 1.5 days प्लानर देना है। तो ठीक है, थिंग्स नॉट इन कंट्रोल, बट थैंकफुली हेल्थ इज गेटिंग बैक टू नॉर्मल। लास्ट 2 दिन से बेटर लग रहा है, सो आई थॉट के चलो भाई आज रिकॉर्ड कर देते हैं वीडियो। सो SFM एंड SCMP का क्विकली 1.5 days प्लानर एंड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोग के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। 1.5 days में आप लोग को SFM में क्या पढ़ना है वो भी आप लोग के साथ यहाँ पे मैंने सब क्वेश्चन सेटअप कर लिए हैं, तो वो भी आप लोग के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को ये डाउनलोड मिल जाएगा। दूसरा वीडियो अपना जो यूट्यूब है सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन क्लिक कर लेना, बिकॉज एग्जाम टाइम पे आई विल बी वेरी एक्टिव, ऑब्वियसली हेल्थ विलिंग, बिकॉज जो भी मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ रिविजन थ्योरी ये है वो सब मैं आप लोग के साथ शेयर करते रहूंगा टाइम एंड अगेन। ऑलराइट, सो अभी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं अपन लोग ये। सो SFM में मैं आप लोग के साथ पहले 1.5 डेज प्लानर डिस्कस कर रहा हूँ। 5 मिनट्स अगर आप लोग का ग्रुप 2 ही है खाली, तो आप कॉस्टिंग वाले, तो 5 मिनट्स आप आगे चले जाएंगे तो आप लोग को SCMP दिख जाएगा। तो तब तक फटाफट SFM को पहले मैं कवर कर लेता हूँ। सो SFM में 3 कैटेगरीज में मैंने डिवाइड किया, A, B and C। मुझे ऐसा लगता है कि ये बार का पेपर SFM का डिफिकल्ट होगा। यस सी, आप बोलेंगे वाह सर वाह, क्या चीज से आपने स्टार्ट किया है। सी अभी भी रिकवर कर रहा हूँ, प्लीज गेट वेल सून बोल देना, सो दैट एकदम मतलब वापस से वो जोश के साथ आप लोग के सामने आ जाऊं। बट एकदम यार तबीयत खराब हो जाती है ना, बुखार होता है ना, सबसे वर्स्ट है यार, मतलब कुछ कर भी नहीं सकते, कुछ करने का मन भी नहीं करता है। एंड चलो एनीवेज, आगे बढ़ना पड़ेगा लाइफ में। सो पेपर मेरे हिसाब से SFM का डिफिकल्ट होने वाला है। लास्ट 2-3 अटेम्प्ट्स हैव बीन इजी इन SFM, एंड ये बार थोड़ा आना चाहिए तगड़ा वाला पेपर। पेपर डिफिकल्ट आया तो सर कैसे मैनेज होगा, तो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, सो हो जाएगा, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, नाउ ये मेरे हिसाब से कैटेगरी ये है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, डेरिवेटिव्स एंड IRRM इंटरेस्ट रिस्क रेट मैनेजमेंट। सो यहां पे इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, सो यहां पे आप लोग को ध्यान रखना है दैट दीज आर द चैप्टर्स जो आप लोग प्रायोरिटी पे कवर करोगे। मेरा बहुत मन था कि मैं वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज एंड फॉरेक्स को स्वॉप कर लूं। सो मेरे हिसाब से वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज के पहले प्रायोरिटी पे फॉरेक्स आएगा, बट देन थोड़ा मैंने ट्रेंड देखा पुराना, एंड बेस्ड ऑन दैट देन फिर आई सेड दैट ओके, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी को अपन कैटेगरी ए में रखेंगे। कैटेगरी बी का मतलब ये नहीं कि एग्जाम में आएगा नहीं, बट मैनेजेबल है, थोड़ा उसको बाद में भी अपन लोग मैनेज कर सकते हैं। फॉरेक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट, जो अपने थ्योरी चैप्टर्स है। एंड लास्ट में कैटेगरी सी में आता है कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, वेरी इजी, एंड जो बाकी के मेरे थ्योरी चैप्टर्स है। सो प्लीज आप लोग भी इस प्रायोरिटी से पढ़ना। एज सच SFM का अगर आप लोग पेपर देखते हो तो 120-125 मार्क्स का पेपर आएगा, एंड ऑन एन एवरेज 10 मार्क्स का वेटेज रहता है हर चैप्टर में। सो ऑलमोस्ट कवरेज सबका ही हो जाता है, 15 चैप्टर है, सो इंस्टीट्यूट ट्राई करता है मेजरली सब चैप्टर्स कवर हो जाए। सो आप कुछ ऑप्शन में छोड़ सकते हो, द आंसर इज नो। थ्योरी ऑप्शन में छोड़ सकते हो, द आंसर इज नो, बिकॉज वो भी 25 मार्क्स हर क्वेश्चन के बाद आता है। मेरा आप लोग SFM का फर्स्ट वीडियो देखोगे ना, उसमें मैंने लिटरली सारे पेपर्स को एनालाइज करवाया, एंड हर क्वेश्चन में 4 मार्क 5 मार्क 4 मार्क 5 मार्क थ्योरी क्वेश्चंस बीच बीच में डाला है। सो व्हाई टू टेक दैट रिस्क, लिमिटेड पोर्शन है, कर लो यार फटाफट। ठीक है, सो ऐसा सिनारियो है। सर आप एग्जाम दिन पे मैराथन या कुछ लेने वाले हैं क्या? अगर मेरा हेल्थ सही रहा तो 101% मेरा तो पूरा इच्छा है। प्लस मैं आप लोग के लिए यार क्या मस्त वाला एकदम मतलब थ्योरी का मैंने नोट्स बनाया, आई थिंक मैंने भी मेरे बुक में लिखा है, सो बताता हूं मैं आप लोग को। डेफिनेटली आप लोग को ये पूरा का पूरा जो मैं नोट्स बना रहा हूं वो मिल जाएगा एग्जाम डेज पे, अभी आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, इट्स ओके, बट जिस दिन आप FR का एग्जाम देके आओगे ना उस दिन आप लोग को मिल जाएगा। मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बना लिया है,
डेरिवेटिव्स मेरा आज हो जाएगा, फॉरेक्स मैंने काफी हद तक बना लिया है, सो आई एम ऑल सेट. ठीक है, सो एफआर के दिन जिस दिन आओगे, मैं ऐसा आप लोगों के साथ फॉर्मूला शीट शेयर करने वाला हूँ, मजा आ जाएगा. मतलब उतना देख लोगे ना, सब चीजें आप लोगों को रिकलेक्ट हो जाएगी. एंड मेरा हेल्थ सही रहा, डेफिनेटली मैं मैराथन लूंगा, एंड उसमें भी काफी सारी चीजें मैं कवर करवाने का कोशिश करूंगा. एज पर माई डॉक्टर, उसने बोला है शांत रहे, इट्स डिफिकल्ट टू टेक, क्योंकि अभी यू हैव जस्ट रिकवर्ड एंड एटलीस्ट और 10 दिन टाइम लगेगा. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा पुश करके थोड़ा भी एक हफ्ता अच्छी तरह से रहता हूं, सो हो जाएगा. लेट्स सी, अगेन कांट प्रॉमिस, बट ट्राई पूरा रहेगा मेरा दैट आई विल गिव माई बेस्ट, एंड मैं करूंगा जो फॉर्मूला का एंड चैप्टर्स का मैराथन मुझे करवाना है. सो ऑन एफआर डे, दैट इज सेकेंड में, आप लोगों को आके क्या करना है वो अभी मैं क्विकली आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं. बट यहां पे आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. डेरिवेटिव्स कुछ लोग ऑप्शन में छोड़ते हैं, क्यों भाई, करके जाओ ना, 100% आने ही वाला है इसमें से क्वेश्चन. फॉरेक्स डेरिवेटिव्स का ये बार ज्यादा स्कोप है, और जब भी फॉरेक्स डेरिवेटिव्स आता है ना, बाय डिफॉल्ट पब्लिक को वो डिफिकल्ट लगना चालू कर देता है पेपर. सो दैट इज वे आई फील कि वी कैन डू इट, हो जाएगा आराम से, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है. बाकी यहाँ पे IRRM स्वॉप वाला है, सो ये भी हो जाएगा, कर लोगे. हार्डली 3-4 क्वेश्चन मैंने मार्क किया, बस उतना भी कर लिया तो भी आप लोग के लिए सफिशियंट होगा. म्यूचुअल फंड्स इजी है, इसके लिए कैटेगरी बी में रखा है, आने तो वाला ही है, वो भी 8 मार्क के लिए. इनफैक्ट आने तो सारे ही चैप्टर्स वाले, जस्ट दैट कि आप लोग को थोड़ा हसल करके पहले ये वाले कर लेने, बिकॉज इसमें पोर्टफोलियो में बहुत सारे फॉर्मूलाज है, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी में बॉन्ड्स है, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स है. डेरिवेटिव्स थोड़ा बाय डिफॉल्ट ही अपने को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है. मर्जर्स एंड एक्विजिशंस इजी है, तो इसको कर लेके यू नो सिक्योर कर लो वो 10 मार्क. सो दैट्स हाउ मैंने ये स्ट्रेटेजाइज किया है. एफआर के दिन जब आप लोग आओगे, एसएफएम का मैं हो सका तो फॉर्मूलाज का मैं एक पूरा रिविजन करवाऊंगा, चैप्टर्स का एंड फॉर्मूलाज का. एंड अगर मैं वो नहीं ले पाया, देन डेफिनेटली आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाला हूं पूरा का पूरा फॉर्मूला शीट. ये तो गारंटीड है, ये जैसा मैंने बोला कि उसके ऊपर पूरा काम चालू है मेरा, सो आई विल गिव इट. फिर सेकंड में को ट्राई करना आप लोग, कि अगर ये हो जाए तो बेस्ट, नहीं हुआ देन आप लोग को खुद से, जिन लोग को पढ़ाई करना है, प्लीज एंश्योर करना म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करो. इजी है, तो मोमेंटम मिल जाएगा. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अगेन एक फॉर्मूला वाला चैप्टर हो जाएगा, बड़ा चैप्टर है तो अच्छा लगेगा आपको. एंड थर्ड डेरिवेटिव, मतलब ये 3 अगर उस दिन हो गए ना, मजा आ जाएगा. देन नेक्स्ट डे अभी और सेकंड में है, तो थोड़ा आप लोग स्ट्रेच कर सकते हो, नेक्स्ट डे छुट्टी है. सो आई थिंक ये 1:30 तक अगर आप लोग ने पढ़ाई कर ली और ये 3 चैप्टर कर लिए ना, देन यू आर ऑल सेट फॉर द नेक्स्ट डे. फिर अच्छा एक मोमेंटम खींच लोगे आप. फिर फॉरेक्स IRRM में मैंने आर्स भी लिखा है, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इस हिसाब से अपन कर सकते हैं. एंड देन लास्ट में रात के टाइम पे सिक्योरिटाइजेशन, रिस्क मैनेजमेंट एंड जो भी ऊपर थोड़ा डेरिवेटिव्स का बैकलॉग बच ही जाएगा, थोड़ा फॉरेक्स का, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज का बैकलॉग बच ही जाएगा, वो अपन लोग उतने टाइम में मैनेज कर सकते हैं. एंड लास्ट डे पे जितने भी मेरे थियोरी चैप्टर्स है रिकलेक्शन के लिए, वो मैं यूज करूंगा. ये 1.5 डेज पे आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं, अभी भी अगर आप लोग के पास टाइम, आई नो थोड़ा लेट हूं मैं, बट एज आई टोल्ड यू हेल्थ इश्यूज थे, सो आई कुडंट हेल्प. तो अभी अगर आपके पास टाइम है तो 1.5 डेज में प्लीज इतना कर लो, सो भी आप लोग के लिए काफी अच्छा हो जाएगा. सो देर आई मैंने मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चन में पूरा SFM समेटने का ट्राई किया, उससे ज्यादा आप वैसे भी नहीं कर पाओगे एग्जाम डेट पे 1.5 डेज पे. सो 100 क्वेश्चन मैंने लिया, मैंने गलती से 200 लिखा है, एक्चुअली मैंने 100 क्वेश्चन लिए हैं, ये PDF में टेलीग्राम चैनल से यू कैन डाउनलोड. अब आ जाते हैं SCMP के ऊपर, मैंने ऑलरेडी SCMP के ऊपर काफी डिटेल डिस्कशन कर लिया है, प्लस मेरा ये वाला टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को ये PDF मिल ही जाएगा, जहां पे मैंने ट्रेंड एनालिसिस, पॉइंट्स टू रिमेंबर, स्पेशली आप लोग के लिए जो थ्योरी वाला है, सीक्वेंस कौन सा करना है चैप्टर्स का, वो सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं वो वीडियो में. प्लीज वो वीडियो यूट्यूब से आप लोग पिकअप कर लीजिए, दैट विल बी वेरी यूजफुल. ये मेरे हिसाब से जो कैटेगरी ABC मैंने डिवाइड किया है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, इवेल्युएशन एंड ट्रांसफर प्राइसिंग, बॉस कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, मतलब ये 3-4 चैप्टर तो यार दिल खोल के इंस्टीट्यूट पूछने वाला है, राइट. कैटेगरी सी में चैप्टर 10 और 1 रखा है, क्योंकि वो लास्ट डे पे भी किया तो भी हो जाएगा और इजी है, फटाफट अपने को उसका लोड नहीं लेना है. एंड देन कैटेगरी बी इज व्हाट दीज चैप्टर्स आर, सो बजटरी, लीन सिस्टम, डिसीजन मेकिंग एंड प्राइसिंग पॉलिसी. सो इस हिसाब से पूरा ये सिस्टम वर्क है. जिस दिन आप लॉ का एग्जाम देके आओगे, अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो, देन आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना है. एंड अगर आपका फर्स्ट पेपर ही ग्रुप 2 का SCMP है, देन यू हैव 5 डेज,
आई थिंक उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, सो आई थिंक सफिशियंट टाइम आप लोग के लिए उस चीज का है. सो 8 मई को लीन सिस्टम या अगेन हेल्थ परमिटिंग डेफिनेटली मैराथन चैप्टर्स का फॉर्मूला का सब मैं करवाऊंगा. अगर नहीं हो पाया देन इन दैट केस आप लोग क्या करना है, अगर आप लोग वो मैराथन अटेंड नहीं कर पाते देन इन दैट केस 8 मई को लीन सिस्टम चैप्टर 1 चैप्टर 2 कर लेना है. फिर 9 मई को विच इज नेक्स्ट डे ट्रांसफर प्राइसिंग परफॉर्मेंस मेजरमेंट कॉस्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग वाले जो हैवी चैप्टर्स है वो कर लेना. अगर यहाँ पे खींच के ये 1, 2, 3 चैप्टर उड़ा देना तो फिर बाद में आप लोग के पास बोलते हैं ना मॉड्यूल 2 वाला जो पार्ट है वो बचेगा. एंड 10 मई को मैंने इजी वाला पार्ट रखा है जो आप एग्जाम के दिन पे पढ़ सकते हो. सो ऑल इन ऑल ये प्रॉपरली फॉलो करो, इट विल रियली बी हेल्पफुल. बाकी और कुछ हो तो कमेंट्स में डेफिनेटली यू कैन शेयर इफ यू नीड एनीथिंग एल्स फ्रॉम मी. अभी आई एम गेटिंग बेटर, तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि भाई हमारा सर एफआर करने में स्टार्ट करने में टाइम है, आप अभी कुछ दे सकते हो तो बताओ मेरे को, आई विल ट्राई माय बेस्ट. चलो टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता. यू गाइज स्टे स्ट्रांग एंड हेल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइम पे गाइज हेल्दी रहना एंड बोलते ना एक काम माइंड रखना, ठीक है. सो दैट इज वॉट नाउ यू हैव टू डू. प्लीज कमेंट पे डेफिनेटली लिखना दैट यस सर वी आर फॉलोइंग ऑल द थिंग्स एंड वी आर गोइंग टू रॉक इट दिस टाइम. पॉजिटिविटी अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये लास्ट मोमेंट्स पे पढ़ाई से ज्यादा माइंड कितना आप लोग का स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल रहता है दैट इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर. चलो टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता गाइज. प्लीज अच्छे से पेपर लिख कर आना एंड मिलते रहेंगे एग्जाम तक. फुल सपोर्ट मेरी तरफ से रहेगा. टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय.